अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये है नले, यानी कि ये इसको हम सीवियर नले कह सकते हैं, यानी भयंकर नले, समझ गए। तो अगर आप ऐसे भयंकर नले से सफर कर रहे हैं तो उससे बचने के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको IBS है, अगर आप खान पान में बदलाव नहीं करेंगे तो आपको ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर इनको बिल्कुल अंदर से लग रहा है कि पत्थर जैसा हो गया है, ठीक है। ये साइड तो हमारा हाथ जा रहा है लेकिन इधर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ये जो एरिया इनका पूरा पूरा टाइट हो गया है, ठीक है। तो अभी जब मैंने इनको पूछा कि क्या क्या ले रहे हो, तो ये अभी बोल रहे हैं कि मैं घी ले रहा हूँ, बाकी दूध तो मैंने बंद कर दिया है। तो घी भी आपको नहीं लेना है। दूसरा, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ छाछ के अलावे आपको नहीं लेना है, अगर आपको इस तरह की दिक्कत है, ठीक है। इनकी जो नाभि है, नाभि भी इनकी खिसकी हुई है इतनी ज़्यादा, और इन्होंने बताया कि इन्होंने हाइटस हर्निया का इलाज यानी ऑपरेशन करवाया हुआ है। तो हाइटस हर्निया का ऑपरेशन कराना IBS का कोई भी इलाज नहीं है, समझ गए। आपको अगर कोई भी डॉक्टर बोलता है कि हाइटस हर्निया हो गया है, उसका आप इलाज ऑपरेशन करा लो, तो बिल्कुल भी मत कराना। क्योंकि देखिए जब तक आपका IBS ठीक नहीं होगा, पेट ठीक नहीं होगा, तब तक आप कोई भी हर्निया का ऑपरेशन कराएंगे तो दोबारा वो समस्या हो सकती है। दूसरा, आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, तली भुनी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है, और सादा खाना बिल्कुल खाना है, छाछ ज़्यादा लेना है, दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं लेना है, और घी और तेल ज़्यादा तला नहीं लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे, और ट्रीटमेंट अब जो है इनको लेना पड़ेगा, तभी जाके ये इनका ये पेट जो है टाइट हो गया, बिल्कुल नरम होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखो, अगर आपको IBS है, आप दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ खाते हो, दूध ले रहे हो, या पर घी खा रहे हो, या तली हुई चीज़ें खाते हो कि मोटे हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ आप होने वाला नहीं है। जब तक आपका पेट डाइजेशन ठीक नहीं होगा, अंदर के ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, तब तक आपका वेट भी बढ़ेगा नहीं। इनका वजन भी काफ़ी कम हो गया, कितना वजन कम हुआ, लगभग 20 किलो इनका वजन भी कम हो चुका है, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन होता है, तो आप लोग के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल जो आपको बताया नहीं खाना है तो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। धन्यवाद।